और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, सीआईएसएफ का 55वां स्थापना दिवस 36 जुलाई में कार्यक्रम का आयोजन, दिल्ली एनसीआर से 150 कमांडो भिलाई पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री, आपको बता दें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर मौजूद, और दिल्ली एनसीआर से भी करीब 150 कमांडोज पहुंचे हैं भिलाई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वहां पर मौजूद मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल होते हुए, तो ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीआईएसएफ आज अपना 55वां स्थापना दिवस मना रहा है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में सीआईएसएफ के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दूर दराज के लोग इस देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हिंदी अगर समझते भी है तो लिख नहीं सकते, अंग्रेजी समझते हैं तो लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या कुछ हिंदी समझते भी नहीं है, कुछ अंग्रेजी समझते भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए जरूरी था, उनके मन में जो है ललक थी कि हम भी देश की सेवा में, हम सीआईएसएफ में आए, भारत के पैरामिलिट्री फोर्स में सम्मिलित होकर हम देश की सेवा करें, उसके मन की आकांक्षा और अभिलाषा रह जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 13 भाषाओं में हिंदी और अंग्रेजी के साथ परीक्षाओं को आयोजित होने का निर्णय देकर, आयोजित करने का निर्णय देकर, उन्होंने इस देश में विभिन्न भाषाओं को प्रतिष्ठा ही नहीं दिया है। देश की सेवा में जो भी चाहे वह सेवा दे सकता है, इस रास्ते को उन्होंने सरल किया है। वृक्षारोपण के विषय में अभी बताया गया, 5 करोड़ से ज़्यादा गृह मंत्रालय ने लक्ष्य रखा था अपने पैरामिलिट्री फोर्स के लिए, और सीआईएसएफ ने अपने लक्ष्य से ज़्यादा किया है, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम हो, चाहे घर घर तिरंगा का हो, चाहे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक आपकी यात्रा का हो, सफलतापूर्वक करना। आपने जो जिम्मेवारी ली थी उसको आपने, उस जिम्मेवारी का पूर्णतः निर्वहन किया है। भारत की अध्यक्षता में 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान सीआईएसएफ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर क्या व्यवस्था आपने की थी? उस हवाई अड्डों पर कुछ देशों को रिसीव करने का मुझे मौका मिला, क्या आपने व्यवस्था की थी? मैंने उस व्यवस्था को देखकर सब लोग खुश भी हो रहे थे और कुछ लोग आश्चर्य भी कर रहे थे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना, जटिल आर्थिक परिदृश्य और बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के बावजूद साकार हो रहा है, यह है मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी है कि यह देश आत्मनिर्भर होगा। मोदी की गारंटी है कि हम विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरा करेंगे कि विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत में न कोई भूखा होगा, न कोई नंगा होगा, न कोई बेघर होगा, न कोई अशिक्षित होगा, न कोई बेबस होगा। आज 21वीं सदी है, विवेकानंद की उस भविष्यवाणी को पूरे करने की गारंटी, यही है मोदी की गारंटी।